हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर माइनक्राफ्ट फ्रीजर। तो ये वेलकम, तो हमारे आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा 22 सीक्रेट माउंटेन अंडर माउंटेन हाउस। तो पहले हम इस वाले माउंटेन बनाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा ही माउंटेन चाहिए, तो बस आप ये याद रखना कि आप इसके बगल में बनाना, ताकि थोड़ा अलग सा लगे। तो आप जिस जगह बना रहे हैं तो उस जगह पे एक ब्लॉक हटना नहीं चाहिए, मतलब एकदम प्लेन सी जगह पे बनाइए जहाँ पे बनाइए। तो ये है हमारा अंडर माउंटेन सीक्रेट हिडन डोर, मतलब बेस है कुल मिला के। तो फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं अंदर। ये हमारी एंट्रेंस होगी, कैसी बात, काफ़ी अच्छी सी एंट्रेंस है। तो यहाँ हमें बनेगा, हमारे पिस्टन लगेंगे। तो दो ब्लॉक डिस्क तक खोलना है, 22 का दोनों साइड पे। अब खोदे जल्दी से, मैं खोद दे जल्दी से। उसके बाद हमें खोदना है यहाँ पे, स्टिकी पिस्टन लगा देना है। तो ये स्टिकी पिस्टन हमारे इधर लग गए। उसके बाद दो इस तरफ को, फिर इधर भी सेम टू सेम लगाना है। ये चारों स्टिकी पिस्टन, इन दोनों स्टिकी पिस्टन को धक्का देंगे, ये दोनों स्टिकी पिस्टन तो डॉट्स को आगे धक्का देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। अब हमें इन स्टिकन के नीचे दो ब्लॉक हाइट का एक गड्ढा खोदना है चारों तरफ, ऐसा मस्त सा। तो अभी हम इसमें गड्ढा खोद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमने अपनी डिगिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो हमें दोनों पिस्टन के नीचे तक थ्री ब्लॉक्स ऐसा गड्ढा खोदना है, इन चारों पिस्टन के नीचे तक दोनों साइड पे। तो अभी करना है, हम इन पिस्टन के पीछे चलते हैं। तो हमें ऐसा एक रास्ता बनाना है टू ब्लॉक्स का। इस तरफ हम अपने वो सर्किट रखेंगे, इसी तरफ लीवर लगेगा। तो हमें इधर 2x2 का एक रास्ता बनाना है। 2x3 का क्या, हमें 3x3 का रास्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन वो तो बाद का काम रहेगा। तो फिलहाल हम इधर गड्ढा खोल लेते हैं ठीक से, इधर 3 का बना ही लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। अभी हमें इन पिस्टन को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले उसको एक्टिवेट करने के लिए आया रेडस्टोन टॉर्च। ये देखिए, पहला एक्टिवेट हो गया, रेडस्टोन टॉर्च उठ जा। अभी इसके ऊपर एक ब्लॉक लग जा, ये नहीं, स्लैब नहीं लगाना था यार, ब्लॉक। ये देखिए, दूसरा भी एक्टिवेट हो गया। अभी तीसरा और चौथा एक्टिवेट एक साथ होंगे। ये डस्ट लगा दी, ये देखिए चारों एक्टिवेट हो गए, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमें सेम टू सेम चीज़ दूसरी तरफ भी करनी होगी, लेकिन उसके पहले मैं अपना अंदर बाहर जाने का रास्ता बना लेता हूँ, क्योंकि ये चारों बंद हो जाएंगे तो तोड़ के जाना पड़ेगा ना, ऐसे बाहर आ जाऊँगा मैं। मस्त है, चलो दूसरी साइड चलते हैं। अभी दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस करना है हमें। तो इन चारों पिस्टन के पीछे पहुंचना है। अरे टूट गया, इसको वापस लगा देता हूँ, लग जा। अभी चलना है इसके पीछे, हम इसके पास ही पहुँच चुके हैं। तो हमें इसी साइड पे टॉर्च लगाएं, दूसरी साइड आप मत लगा देना, ये लग जा। अभी उधर दस्ट लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार जाना नहीं है, तो मैं और डिग नहीं करूँगा। देखिए चारों बंद हो सकते हैं, दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे चारों पिस्टन बन चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें आगे वाले चारों को एक्टिवेट करना है, ताकि ये डर्ट को आगे पुश कर सके। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड को। ये जब डर्ट को आगे पुश करेंगे तो एकदम बंद हो जाएगा, एकदम मस्त लगेगा, एपिक, किसी को पता भी नहीं चलने वाला कि यहाँ पे कुछ था अभी। चलिए चलते हैं अंदर सीधा आगे का काम करने के लिए। तो हमें यहाँ पे और डिक करना है, ये वाला ब्लॉक आपको नहीं तोड़ना है, इधर हमारी टॉर्च लगी हुई है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, ऐसा एल शेप बनाना है हमें। यहाँ पे रखना है एक स्टोन रिपीटर, उसको फुल खींच देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना था, स्लैब नहीं। उसके बाद यहाँ से एक रेस्टोन का डस्ट कनेक्शन लेना है, इसको दूसरी साइड तक ले जाना है, इसको भी एल शेप बना देना है ऐसे ही। इसीलिए टॉर्च मैंने उस साइड लगाई थी, ताकि मतलब एल शेप बना रहे। अभी हमें लगाना है यहाँ पे रिपीटर, फुल खींच देना है। उसके बाद इन पिस्टन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें लगाना है यहाँ पे ब्लॉक। उसके बाद ये वाले ब्लॉक लगाने हैं, नीचे वाले तोड़ देने हैं। उसके बाद यहाँ पे लगानी है टॉर्चेस, तो मैं लगा देता हूँ ये पहली टॉर्च, दूसरी टॉर्च। देखिए बंद हो चुका है, अब देख सकते हैं नीचे वाले पिस्टन बंद हो गए। तो अभी हमें इन दोनों टॉर्चों को इधर से नहीं, इधर से आपको नहीं कनेक्ट करना है, उस इधर से आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना। आपको टॉर्च जिस ब्लॉक पर लगी हुई है उससे डट से कनेक्ट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी ये बंदी है, तो अभी हमें बाहर जाना है। तो अभी कोई ब्लॉक तोड़ के या फिर कोई लीवर लगा के चला जाता हूँ, ये हो गया। ये देखिए, अगर इसे टॉर्च से पूरे में पावर देंगे तो ये बंद हो जाएगी बाकी टॉर्चेस। तो अभी मैं इधर पावर दे देता हूँ, ताकि खुल सके, मुझे बाहर भी जाना है अभी। तो अभी ये देखिए, पूरे के पूरे पिस्टन खुल चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ बनाना है एक सर्किट अपना। इस टॉर्च को ऑफ करने के लिए हमें इसके पीछे एक लीवर लगाना होगा। तो अभी इधर आएगा एक लीवर, इधर इधर इसके नीचे हम एक सर्किट और बना देते हैं। तभी ये बंद हो चुका है,
देख सकते हैं आप लोग, एक टॉर्च के नीचे दूसरी टॉर्च लगाने से वो बंद हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो आगे हमें यहाँ केवल लगाना है, उसके बाद यहाँ से एक मैं रेस्टोरेंट कनेक्शन लगा दूंगा ताकि मैं नीचे वाली टॉर्च को बंद सकूँ। ये देखिए अभी नीचे वाले बंद हो गए, अभी हमें ऊपर वाले भी बंद करने हैं, मतलब चालू करने हैं पिस्टन्स। तो हमें जाना दूसरी साइड को, पहले मैं यहाँ से रास्ता बंद कर देता हूँ। नीचे वाला काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ऊपर काम करना है। ऊपर वाले पिस्टन चालू करने के लिए हमें ऊपर ही काम करना होगा ना। तो अभी हमें यहाँ पे ब्लॉक से डिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक होल लेना है, उसके बाद यहाँ से हमें एक डस्ट कनेक्शन, रेस्टोरेंट डस्ट कनेक्शन लेना होगा ऐसे सा। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉर्च आएगी, बंद हो गई देखिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट कनेक्शन चल रहा है। तो अभी हमें जाना है ऊपर। अरे ग्रेवल गिर गया, इसको तोड़ देता हूँ। नहीं ग्रेवल तो डस्ट से, टॉर्च से टूट गया होगा। अभी तोड़ देना सारे ग्रेवल्स को, इसको के तोड़ा बंद कर देता हूँ। अभी चलते हैं दूसरी साइड को, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाना है और ऊपर जाना है, डिक करना है सामने की तरफ, पिस्टन्स के नीचे तक पहुंचना है कुल मिला के हमें। ये देखिए हम पिस्टन्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो हमें इन वाले पिस्टन्स पर जाना है। लेकिन ये पिस्टन्स अभी बंद है, तो हमें इधर लगाने हैं ब्लॉक्स को, दो ब्लॉक्स इधर लगाने हैं। अभी यहाँ पे स्लैब आएगा ताकि नीचे वाले पिस्टन पे अभी पावर ना जाए। उसके बाद यहाँ पे, अरे ये नहीं लगाना था। अभी यहाँ से रेस्टोरेंट डस्ट कनेक्शन लेना है, इधर एक ब्लॉक आएगा, अभी एक रेस्टोरेंट डस्ट कनेक्शन। अभी ये टॉर्च ऑन होगी तो ये नीचे वाले को भी पावर देगी। ये दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हमारा डोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं ये बंद, ये फिर ये देखिए, ये एकदम किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई हिडन डोर भी है। ये देखिए किसी को पता ही नहीं कि हमें ये वाला तोड़ना है, इसके बाद हम अंदर जा पाएंगे, तो पता क्या चलेगा, एकदम मस्त है ना। तो अभी हमने इसको बाहर से खोलने के जुगाड़ तो बना दिया, लेकिन इसको भी अंदर से बंद करने का भी बनाना पड़ेगा ना, तो वो भी हम देखेंगे अभी। अभी मैं इसके ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि किसी को पता ही नहीं चले। कैसा लग रहा है तुम ओपी ना? सो ओके गाइस, तो अभी मैंने अंदर आ चुका हूँ, मेरे को अभी अंदर से गेट बंद करना है। मैं अंदर तो आ गया, लेकिन तब तक ये गेट खुला रहेगा तो फिर लोग अंदर नहीं आ जाएंगे, उनको दिख जाएगा कि यहाँ पर रास्ता, तो हमें इसको अंदर से भी बंद करने का सर्किट ढूंढाना है। तो उसके लिए हमें चलना है इस साइड को, ये ब्लॉक्स को डिक करना है, हमें ये अपना सर्किट के इस टॉर्च के नीचे तक डिक करना है। उधर वहाँ पे हमने एक पहले डिकिंग की थी, तो अभी हमें वहाँ से एक रेस्टरूम कनेक्शन लेना है। उधर एक टॉर्च लगा के, जैसे ये टॉर्च लगाते ही बंद हो जाएगा, सारा गेट बंद हो जाएगा। अभी हमें लेना है ऐसे रेस्टरूम कनेक्शन, ये रेस्टरूम कनेक्शन हमें पहले वाले रेस्टरूम कनेक्शन से चिपक ना जाए, इसलिए एक ब्लॉक का हमें गैप देना होगा। ये देखिए इस टॉर्च से अगर ये कनेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इधर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे और रास्ता बनाना है, इसलिए मैं आपको कह रहा था 3x3 का रास्ता चाहिए हमें। तो अभी हमने ये टॉर्च के बगल में एक ब्लॉक डिक इसलिए किया है ताकि रेस्टोरेंट कनेक्शन टॉर्च जिस ब्लॉक पे है उस ब्लॉक के नीचे कनेक्शन लेना, तभी टॉर्च बंद होती है। तो हमें आगे जाना है और कनेक्शन लेना है ऐसे ऐसे, अगर हम इधर कनेक्शन दे देंगे तो ये पावर आ जाएगी, तो इसमें पावर नहीं देनी है हमें। तो ये हमारी दीवार होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा कवर करने वाले हैं ना, एकदम मस्त लग रहा है, एकदम फुल अंधेरा। इस तरफ भी बंद कर देता हूँ। हमें यहाँ लगाना लीवर, बंद किया खुल गया, ये देखिए एकदम ओपी है ना। अभी हम अंदर जाएंगे, मान लिया हमने खोल के अंदर गए, इधर अंदर जाने का रास्ता बना लेता हूँ, अंदर बेस बनाऊंगा अभी मैं। उसके बाद ये देखिए बाहर आ चुका हूँ। अभी कौन सा ब्लॉक पे मैंने लीवर लगाया था, मैं खुद ही भूल गया, देखिए कितना ओपी सा बनाया हूँ मैंने, मैं खुद ही भूल गया मैंने किस ब्लॉक पे लीवर लगा रखा था। सोचिए कितना ज़्यादा तगड़ा है वो, ये पूरा जो कनेक्शन ये रहा लीवर, दबा देता हूँ। खुला क्यों नहीं? ओ यस राइट, यस कैसे है, मेरे मेरे प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी मुझे इसको वापस बंद करना पड़ेगा, अभी हमें अंदर जाना है क्योंकि हमने वो अंदर वाले लीवर को बाहर से बंद कर दिया था, हमें उसे अंदर से ही बंद करना था। चलिए इसको बंद कर देता हूँ, बंद हो जा। तो अभी हम चलते हैं इधर अंदर, तो कहाँ गया ये वाला है ऐसे, पता नहीं, हाँ यही वाला है, चलो देख लेते हैं कौन सा था। ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया।
अभी ये हो गया, ये देखिए खुल गया। मैंने पता प्रॉब्लम क्या कर दी थी, ये मैंने यहाँ पे अंडर गया था, उस वाले लीवर से दरवाजे को बंद कर दिया था। ये जो आपको आगे दिख रहा है ना, इस वाले दरवाजे, इस वाले लीवर को मैंने बाहर से बंद कर दिया था। जब हम इसे बंद करेंगे तो ये इसी से खुलेगा। आप ये मत सोचिएगा आप बाहर जाके, अगर आप बंद कर दें, किसी को बाहर से लीवर मिल भी गया तो उसको दबाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेस, और ये देखिए एक ट्रैप चेस्ट है, आपको दिख ही गया होगा। तो ये ट्रैप चेस्ट मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है, मैं आपको ये अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई हमारे बेस के अंदर घुस भी गया तो हमारा कोई भी कीमती सामान चुरा नहीं पाएगा, कि हम यहाँ बनाने वाले हैं एक और ट्रैप अपने दोस्तों को ट्रैप करने के लिए। इसको बंद कर देते हैं। आप बंद बाहर से कीजिएगा, अंदर से अगर बंद करेंगे तो आप वापस अंदर नहीं जा सकते बिना तोड़े। देखिए अभी खुल रहा है, अगर मैं इसे बाहर से बंद कर देता हूँ, देखिए ये देखिए बंद हो गया। अभी हमें इसको तोड़ के उसी लीवर से वापस चालू खोलना पड़ेगा, नहीं तो उस वाले लीवर से नहीं खुलने वाला। ये खुल गया, ये खुल गया। अगर हम इस वाले लीवर को दबाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसको अभी रिप्लेस कर देता हूँ। तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ, तो इस वाले लीवर से मैं बंद कर सकता हूँ। ये देखिए बंद हो गया, खुल गया। अगर मैं बाहर जाके इस वाले लीवर से बंद करूंगा तो उस वाले वो वाला लीवर किसी काम का नहीं बचेगा, इसीलिए ऐसा सिस्टम है। तो आप इसको कनेक्शन उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि फेक ट्रिक है, बकवास है। तो हमें बाहर आ चुके, उसको खोला रहने देना, आपको यहाँ आके इस लीवर को बंद करना है, नहीं तो फिर वो वापस।